नमस्कार। आज हम संचालन पद्धति के अधीन स्वचालित ब्लॉक पद्धति यानी ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम की विस्तृत जानकारी लेंगे, साथ ही सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल तथा सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल के बारे में भी जानेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पूर्ण ब्लॉक पद्धति में एक स्टेशन से निकली हुई गाड़ी जब तक अगले स्टेशन पहुंच नहीं जाती तब तक पीछे वाली गाड़ी को लाइन क्लियर नहीं मिलता है। अगर ट्रैफिक की मात्रा अधिक हो और एक ही दिशा में बहुत सी गाड़ियां लगातार गुजरती हो, वहां अगर पूर्ण ब्लॉक पद्धति में गाड़ियां चलाई जाएंगी तो गाड़ियों का डिटेंशन बहुत ज्यादा होगा। इसलिए जिन खंडों पर ट्रैफिक की मात्रा अधिक है तथा उपनगरीय खंडों पर स्वचालित ब्लॉक पद्धति यानी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम अपनाई जाती है। ऑटोमेटिक सिग्नल उन स्थानों पर लगाए जाते हैं जहां कोई पॉइंट या गेट नहीं होता है। इस पद्धति में दो निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशनों के बीच की लाइन कई स्वचालित ब्लॉक सिग्नल सेक्शन में बांटी जाती है। इन सेक्शन में प्रवेश रोप सिग्नल द्वारा शासित होता है। लाइन पर लगातार ट्रैक सर्किट या एक्सेल काउंटर लगाए जाते हैं। इस पद्धति में जो रोप सिग्नल लगाया जाता है उसके खंभे पर सफेद गोल चक्री पर काला ए लिखा होता है। सभी सिग्नल्स मल्टीपल आस्पेक्ट वाले ही लगाए जाते हैं। गाड़ियों के चलने से ये सिग्नल अपने आप ऑन तथा ऑफ होते हैं। इन सिग्नलों के आस्पेक्ट के अनुसार लोको पायलट अपनी ट्रेन की गति को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। अगर सिग्नल आस्पेक्ट ग्रीन है तब अपनी पूर्ण गति से चलना है। यदि सिग्नल आस्पेक्ट डबल येलो है तब सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है तथा ट्रेन की स्पीड को कम करना है। अगर आस्पेक्ट वन येलो है मतलब लोको पायलट को सतर्क रहना है तथा अगले सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहना है। इन सिग्नल्स की सामान्य स्थिति हरी होती है। जैसे ही ट्रेन इस सिग्नल को पार करती है ये सिग्नल अपने आप ऑन स्थिति में आ जाता है और जैसे ही ट्रेन अगले सिग्नल के आगे की पर्याप्त दूरी जो 120 मीटर से कम नहीं होती उसे पार करती है ये सिग्नल तब ऑफ हो जाएगा। अब हम ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम में गाड़ियां किस तरह चलाई जाती है ये देखेंगे। स्क्रीन पर ऑटोमेटिक टेरिटरी में 1-4 रोक सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। सभी सिग्नल अपने सामान्य स्थिति में यानी सिग्नल आस्पेक्ट ग्रीन है। ट्रेन जैसे ही फर्स्ट सिग्नल को पार करेगी ये सिग्नल का आस्पेक्ट तुरंत ग्रीन से रेड में आ जाएगा। ट्रेन जैसे ही सेकेंड सिग्नल को पार करेगी ये सिग्नल रेड हो जाएगा और जैसे ही ट्रेन इस सिग्नल से आगे पर्याप्त दूरी जो 120 मीटर है उसे पार करेगी तब पीछे वाला सिग्नल यानी फर्स्ट सिग्नल वन येलो आस्पेक्ट में आ जाएगा। जैसे ही ट्रेन थर्ड सिग्नल को पार करेगी ये सिग्नल रेड हो जाएगा और जैसे ही ये ट्रेन सिग्नल के आगे 120 मीटर पार करेगी तब सेकेंड सिग्नल वन येलो तथा फर्स्ट सिग्नल डबल येलो आस्पेक्ट दिखाएगा। जैसे ही ट्रेन फोर्थ सिग्नल को पार करेगी ये सिग्नल रेड हो जाएगा और पूरी ट्रेन जब इस सिग्नल के आगे 120 मीटर पार करेगी थर्ड सिग्नल वन येलो सेकेंड सिग्नल डबल येलो तथा फर्स्ट सिग्नल ग्रीन आस्पेक्ट में आ जाएंगे। तो इस तरह से ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम काम करती है। पूर्ण ब्लॉक पद्धति में रोक सिग्नल अगर रेड आस्पेक्ट दिखा रहा है तब लोको पायलट बिना किसी प्राधिकार पत्र के उस सिग्नल को पार नहीं कर सकता। परंतु ऑटोमेटिक सिग्नल अगर रेड भी है तब लोको पायलट इस सिग्नल को दिन में एक मिनट
और रात में 2 मिनट रुककर पार्क कर सकता है। ऐसे समय उसकी ट्रेन की स्पीड दृश्यता साफ होने पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दृश्यता साफ न होने पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी। ऐसे समय लोको पायलट सतर्क रहता है तथा किसी भी अवरोध से पूर्व अपनी गाड़ी रोकने के लिए तैयार रहता है। यदि अगला सिग्नल ऑफ भी दिखाई देता है तो भी ट्रेन की स्पीड को तब तक नहीं बढ़ाता जब तक यह सुनिश्चित नहीं कर लेता कि जो सिग्नल ऑफ किया गया है वह उसके गाड़ी के लिए ही है। स्वचल रोक सिग्नल ऑन स्थिति में पार करने के बाद ईएमयू गाड़ी और आगे रुकी हुई गाड़ी या अवरोध के बीच अंतर 75 मीटर या 1 ओएची स्पैन से कम नहीं होना चाहिए तथा किसी भी इंजन से चलाए जाने वाले गाड़ी के चालक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अपनी गाड़ी और आगे रुकी हुई गाड़ी या अवरोध के बीच का अंतर 150 मीटर या 2 एची स्पैन से कम नहीं होना चाहिए। स्वचालित ब्लॉक पद्धति में एक ही दिशा में बहुत सी गाड़ियां चलानी होती है। ऐसे समय सभी स्टेशनों के सभी पॉइंट्स तथा सिग्नल्स सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल में स्थित प्रकाशित पैनल पर पूरे खंड के सभी स्टेशन पर चल रही गाड़ियां, पॉइंट्स तथा सिग्नल्स की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देती है। प्रत्येक ब्लॉक स्टेशन पर पैनल होते हैं ताकि शंटिंग के समय सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल उस स्टेशन का नियंत्रण संबंधित स्टेशन को दे सके। ऐसे समय उस स्टेशन के क्रॉसओवर पॉइंट या गेट से पहले सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल लगाए रहते हैं। ये सिग्नल आवश्यकतानुसार मैन्युअली तथा ऑटोमेटिकली दोनों तरह से कार्य करते हैं। इस सिग्नल की पहचान के लिए इसके खंभे पर सफेद प्रज्वलित ए मार्कर लगा होता है। जब इस सिग्नल के खंभे पर लगा ए मार्कर बुझा हो तो यह सिग्नल मैन्युअली रोक सिग्नल की तरह कार्य करता है। ऐसे समय लोको पायलट इस सिग्नल को बिना प्राधिकार पत्र के ऑन स्थिति में पार नहीं कर सकता। जब इस सिग्नल के खंभे पर लगा ए मार्कर प्रज्वलित होता है यह सिग्नल स्वचालित रोक सिग्नल की तरह कार्य करता है। ऐसे समय लोको पायलट इस सिग्नल को स्वचालित रोक सिग्नल की तरह दिन में 1 मिनट तथा रात में 2 मिनट रुकने के बाद ऑन स्थिति में पार कर सकता है। तो इस तरह से हमने ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल तथा सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल के बारे में विस्तृत जानकारी ली। धन्यवाद।